ओम बुधा, डॉक्टर लवीना गुप्ता फ्रॉम द सोल सर्चर फाउंडेशन। हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। हमें पास्ट लाइफ में क्यों जाना है, हम तो प्रेजेंट में हैं, पास्ट लाइफ में जाके क्या बेनिफिट है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो कि पास्ट लाइफ से जुड़ी होती हैं। लाइक, अगर आपको डर लगता है, पानी से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, कोई रिलेशनशिप ट्रॉमा है, कोई बहुत ही अपहेवल रिलेशनशिप है जो कि आपको दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, आपको कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, तो 100% बेसिस उसका पास्ट लाइफ में आपको जरूर मिलेगा। किसी चीज से, आप किसी रिलेशनशिप से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, किसी पर्सन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, किसी पर्सन के साथ आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, या चाह कर भी आप कितना भी कोशिश करो आप उससे भाग नहीं सकते, निकल नहीं पा रहे उससे, तो हम पास्ट लाइफ में जाकर देखते हैं कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, इशू क्या है, क्या कनेक्शन है उस पर्सन का आपके साथ पास्ट लाइफ में, और उसको जाकर हम पास्ट लाइफ में हील करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस में एक पास्ट लाइफ नहीं, बहुत बहुत सारी पास्ट लाइफ, इवन 100-500 पास्ट लाइफ भी इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका मतलब वो ट्रॉमा बहुत डीप है और उसको हील होने में टाइम लगेगा, और उसका इशू ही, रिजल्ट ही आपको पास्ट लाइफ से मिलेगा। जब हम पास्ट लाइफ रीडिंग्स करेंगे, वहां पर जाएंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, तो जिससे कि आपकी ये प्रेजेंट लाइफ हील हो पाएगी और आपका फ्यूचर भी बेहतर हो पाएगा। तो बहुत सारे सिचुएशंस में हमें अपने पास्ट लाइफ में जाना पड़ता है, कोई फाइनेंशियल इशू है, कोई प्रॉपर्टी इशू है जिससे कि आप चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रहे, कोई हेल्थ इशू है, बाय बर्थ ही कोई प्रॉब्लम है। जब हम इस साइंस से कनेक्ट होते हैं तो हमारी कोई भी, कैसे भी डीप ट्रॉमास हैं वो हील होते हैं। इवन छोटे से छोटी इशू भी, बड़े से बड़ा ट्रॉमा भी। एंड जनरली हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन तब करते हैं जब आप किसी इशू से जूझ रहे हैं और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो लोगों को मिथ है कि हिप्नोसिस में या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपसे हम अपने, आपके बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। आप सबकॉन्शियस लेवल पे होते हो, अनकॉन्शियस नहीं होते, आप बेहोश नहीं होते, आप सबकॉन्शियस स्टेट पे होते हो, मेडिटेटिव स्टेट पे होते हो, जिसमें आपको भी बाद में भी सारी चीजें याद रहती हैं, प्लस उनको जान के हम अपनी लाइफ को, इस प्रेजेंट लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए, कनेक्ट होइए पास्ट लाइफ के साथ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन लर्न करिए, सेशंस लीजिए अपने सोल सर्चर से और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। ओम बुधा।